डिवीजन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर वन क्वेश्चन देखिए, 6 × 10⁸ है, डिवाइड करेंगे 2 × 10³ के साथ। तो हमने क्या करेंगे कि जो 6 है उसको ले लेंगे जैसे, और इधर से डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाता है इसमें हमारे पास 3। ठीक है, अब ये जो पावर्स वाला नंबर है वो है 10⁸ डिवाइडेड बाय 10³ है। तो 10³ है, तो जब भी डिवाइड होता है तो पावर्स को हमेशा टेक अवे करते हैं। तो आप 10 एक दफ़ा लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 8 − 3। 8 − 3 जो होता है ये हो जाएगा 5 के इक्वल, तो 10⁵ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आंसर था 3 × 10⁵। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन है 4.2 है अगर डेसिमल में दिया हुआ है और दूसरी साइड पे सिंपल 6 है, तो हमने इसको 4.2 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको साइड पे कर लेते हैं, 6 इधर और 4.2 इधर है। अब 6 जो है वो 4 क्योंकि स्मॉल है 6, इसलिए 0 आ जाएगा, और ऊपर डेसिमल लगाएंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल था, और फिर इनको ज्वाइन करेंगे ये 42 बन जाएगा। 6 × 7 इज 42 होता है, इसका आंसर आ जाएगा 0.7। अब आपने पावर्स वाले लेने हैं, 10⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻² है। ठीक है, तो इसको सेम हम करेंगे तो आएगा 10⁶ − 2 10⁴ हो जाता है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन